रहे हैं, एक तो मेरे हमारे मित्र राजकुमार कश्यप जी हैं जो लुधियाना में नई नई कलाकृति लेकर के आए हैं, और कल उन्होंने कुछ फोटो पोस्ट किया हमारे पास साहेब झारखंड के कुम्हारों के लिए, जो कि मैं दिखा रहा हूं, और दिखा करके एक नया चीज़ आधुनिक तरीके का एक नई कलाकृति जो है मैं झारखंड में लाना चाहता हूं। अमृत माटी इंडिया के द्वारा भी मुझे प्रोत्साहित किया जाता है, जयपुर में हमारे एक मित्र हैं उनके द्वारा भी मुझे फोटो पोस्ट किया जाता है कि आप झारखंड के कुम्हारों को दिखाएं और एक आधुनिक तरीके का मिट्टी का नया नया बर्तन बनाएं, ताकि जो बर्तन 10 रुपया में बिकता है उस बर्तन का कीमत जो है मार्केट में आकर के और 100 रुपया हो जाए। आप देख रहे हैं कितना सुंदर कितना बना हुआ है ये बढ़िया, लेकिन यहाँ के जो कारीगर हैं बनाए तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसमें इसकी नकाशी भी आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नकाशी है। इसका कलरिंग जो है ये नहीं कर पाएंगे, और यदि इसमें कलर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो कलर यदि हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और इसका कीमत जो है यदि यह बिकता है 100 रुपया में तो यह 500 रुपया में बिकेगा। इस प्रकार के नए नए कलाकृतियां जो है हमारे राजस्थान जयपुर और गुजरात के सूरत शहर मनसुख भाई सूरत वाले मिट्टी का फ्रिज बनाते हैं इसी तरह से, और ये नौजुवक हैं दक्षिण भारत में जाकर मिट्टी का फ्रिज बनाने के लिए सीखें। जो लोग फ्रिज का जो पानी नहीं पीते हैं वो मिट्टी का फ्रिज अभी खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज का पानी पीने से कुछ लोगों को गला में भी लगता है, और इसका जो पानी होता है इसकी जो शुद्धता है वह शुद्धता इस आर ओ में भी आप देख सकते हैं, इसकी भी मैंने जांच की है, इस आर ओ की शुद्धता और इसकी शुद्धता दोनों में अंतर है। इसके लिए मशीन लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई मशीन नहीं है, आप इसमें जल डाल दीजिए और स्वतः जो है इसमें प्रकृति का यह एक अद्भुत करिश्मा है जो इस मिट्टी के अंदर उसके अंदर जितनी भी विकार हैं पानी का वह स्वतः सोख लेती है, और वह शुद्ध पानी जो है लोगों को पीने के लिए देती है। इससे जो है कि हमारा स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर रहेगा और हम हमेशा निरोग रहेंगे। इसलिए मैं भारत की जनता से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रघुवर दास जी से अपील करता हूँ कि झारखंड के कुम्हारों के लिए ही नहीं पूरे भारत देश के कुम्हारों के लिए एक ऐसा योजना नियम प्रावधान बनाया जाए जिससे कि प्लास्टिक उद्योग समाप्त हो जाए, अन्यथा भारत में मिट्टी की जो कलाकृति है वह विलुप्त होने के कगार पर है। आप देख ही रहे हैं यहाँ की महिलाएं बरसात के दिनों में काम नहीं होता है, कुम्हार के घर में शेड नहीं है। मैं सरकार से शेड की भी मांग किया हूँ, लोग हाट बाजार में बर्तन बेचने जाते हैं वहाँ भी शेड नहीं है, खुले आसमान के नीचे जो है बेचते हैं बर्तन, उसके लिए भी मैं सरकार से मांग की है। और हमारे पास 15 सूत्री मांग है जिसमें कि अभी तक फिलहाल हमारे पास एक मांग पूरा हुआ है, माटी कला बोर्ड से तो कुम्हारों का कोई उद्धार होने नहीं जा रहा है जब तक कि आगे की प्रक्रिया नहीं पूरी होती है। उसके लिए कुम्हारी शिल्प कला उद्योग निगम की स्थापना होनी चाहिए, खादी और ग्रामोद्योग निगम में कुम्हारों को प्रतिनिधि चाहिए, शिल्प कला महाविद्यालय हमारे नहीं, जब बिहार झारखंड एक था तो हमारे कुम्हार भाई जाते थे पटना और शिल्प कला वहाँ कॉलेज है उसमें जाकर के जो है कि सीखते थे, लेकिन झारखंड में नहीं है, झारखंड में भी शिल्प कला महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और प्रत्येक जिला में कुम्हारी कला का प्रशिक्षण केंद्र आप देख सकते हैं। कल मैं शाम में गया था राजमहल प्रखंड चाइना किले घूमने के लिए, तो हमने देखा वर्षों से चाइना किले निकल रहा, पूरे राजमहल की जो मिट्टी है विदेशों में चली गई, लेकिन आज तक कुम्हारों के लिए एक भी कारखाना वहां नहीं खुला। आजादी के 70 वर्ष बीत गए,
यदि कुम्हारों के लिए वहाँ पर छोटा सा कारखाना खुलता है, खुला भी कांसा, तो वो बंद हो गया। और हमारे झारखंड में इतने कुम्हार हैं जिनका जो है बर्तन, आप देख सकते हैं ये बर्तन, ये आदिवासियों पर निर्भर है। यदि झारखंड में आदिवासी इस बर्तन को नहीं खरीदे तो कुम्हारों से की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो महिला यहाँ जो जो पूछ सकते हैं कि अधिकतर ज्यादा बर्तन आदिवासी ही हमारे समाज का खरीदते हैं। तो हमारे राजमहल प्रखंड में, प्रखंड के मंगल हाट में भी एक ऐसा उद्योग खुलना चाहिए जहाँ की मिट्टी उपलब्ध है और वह मिट्टी बनारस जाता है, चुनार जाता है, हमने देखा है जाकर के, और उसी चाक पर कप बनता है, डिश बनता है, नाना प्रकार के खिलौने बनते हैं, और उसे बिजली के हीटर में एक भट्टी होता है उसमें पकाया जाता है। यदि वही सुविधा हमारे साहेबगंज में होता तो कितना अच्छा होता। साहेबगंज के लोग बद से बदहाल हो रहे हैं और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है दूसरे प्रदेशों में जाती है और वहाँ के लोग जो है कि लाले लाल हो रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? हमारे यहाँ पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में मिट्टी उपलब्ध है।